अलीगढ़ की दिल्ली गेट में 10 साल की बच्ची से दूसरे बच्चों ने मोबाइल फ़ोन चोरी करवाया, फिर शिकायत करने की धमकी देकर बच्चों ने 10 साल की बच्ची के साथ 2 साल तक गैंगरेप किया। जब इस बात का पता उसकी माँ को लगा तो उसने पुलिस को शिकायत करने की कोशिश की। जब पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी तो महिला एसएसपी से मिली। बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है भैया, और मोबाइल करके वो लोगों को बुलाया करती थी, इनसे मोबाइल करवाया करती थी। रिपोर्ट की तो हमारी रिपोर्ट ली गई है, कर रही नहीं। उसमें हमने जो है कहा, हाँ थाने में सबने पूछा तो हमारी बच्ची से 2 दिन तक पूछताछ की है कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, तो इन्होंने बताया है कि हमारे साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया है। 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में इस तरह से मोबाइल के द्वारा शुरू में बच्ची से मोबाइल चुरवाया। 10 अगस्त को, काफ़ी दिन हो गए सर। इसके बाद में बच्चा हमारा पहले से ही खेलने जाता था वहाँ, उसके भी बच्चे थे, बच्चा बच्चों में खेलता, खेलते खेलते ये लोग अपने घर दिखाया इन्होंने, ये हमारा घर है और ये है। फिर इन्होंने बच्ची को मारा पीटा घर में ले जाके उनको मारा। मेरा नाम कमल भट्ट है, ये एक 10 साल की छोटी बच्ची है, उसके संग करीब 2 साल से गैंगरेप हो रहा था। वो अपने पड़ोस में खेलने जाती थी तो उसे बहला फुसला के उधर घुमा के उसके संग गैंगरेप किया जा रहा था। इसमें हम एसएसपी साहब से मिले, एफआईआर तो दर्ज लगा, मुजरिमों को भी पकड़ा गया लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। तो पुलिस इसमें, ये एक गंभीर आरोप है लेकिन पुलिस इसमें उसको बहुत उससे ले रही है, तो हम ये चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हों और जेल जाएँ और इस बच्ची को न्याय मिले। आज कहाँ पे आए हो आप? हम एसएसपी ऑफिस आए हैं, इस बात की शिकायत करेंगे।